हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई क्लास। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई क्लास को कितने क्लास में बांटा गया है और सप्लाई क्लास का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग बैटरी से जो सप्लाई लेते हैं, यूपीएस से लेते हैं, और ग्रिड पावर सप्लाई लेते हैं, और डीजी सेट से जो सप्लाई लेते हैं, उनके हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं। तो कौन से बैटरी के सप्लाई को कौन सा क्लास कहते हैं? तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि कितने क्लास होते हैं। तो हमारा सप्लाई क्लास फोर टाइप का होता है, चार प्रकार का। तो क्लास वन, जो हम बैटरी से सप्लाई लेते हैं, उसे हम क्लास वन सप्लाई कहते हैं। क्लास टू, यूपीएस सप्लाई। यूपीएस का मतलब क्या होता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। जो क्लास टू हमारी सप्लाई है, वो यूपीएस द्वारा जो ली जाती है, उसे क्लास टू सप्लाई कहते हैं। नेक्स्ट, क्लास थ्री, डीजी सेट। डीजी सेट आप लोग डीजल जनरेटर सेट से जो सप्लाई ली जाती है, वो क्लास थ्री में सप्लाई आती है। नेक्स्ट, क्लास फोर, ग्रिड सप्लाई। ग्रिड सप्लाई का मतलब क्या होता है? जो हमारा सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ट्रांसमिशन से होकर सब स्टेशन में आता है, सब स्टेशन से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसे ग्रिड सप्लाई कहते हैं। तो इसे क्लास फोर में रखा गया है। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई क्लास, ये कितने क्लास में बांटा गया है। तो ये फोर टाइप्स है, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री और क्लास फोर। तो क्लास वन, जो बैटरी द्वारा सप्लाई ली जाती है, उसे हम क्लास वन में रखे हैं है। और जो यूपीएस द्वारा सप्लाई ली जाती है, उसे क्लास टू पावर सप्लाई कहते हैं। और जो डीजी सेट डीजल जनरेटर सप्लाई ली जाती है, उसे क्लास थ्री पावर सप्लाई कहते हैं। और जो ग्रिड सप्लाई होती है, उसे हम क्लास फोर पावर सप्लाई कहते हैं। तो ये हमारे चार टाइप्स हैं सप्लाई क्लास के। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।